बेटे के नाम अर्पित करना चाहता हूँ। आयुष सुमन को, जिनको मैंने 11 साल की अवस्था में एक ऐसी हृदय की बीमारी से खो दिया था जो 100 करोड़ लोगों में से किसी एक बच्चे को, और उस वक्त मेरी आस्था जो है ईश्वर के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैंने घर से भगवान की तस्वीरें, मूर्तियाँ उठा के सब बाहर फेंकी, और मुझे लगा भगवान की तरफ देख के मैंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, जबकि हमेशा मैंने आपकी आराधना की है, हमेशा मैं आपका भक्त रहा हूँ। और जवाब शायद शब्दों में नहीं मिलता ईश्वर की तरफ से, लेकिन बातों से मिल जाता है या फलसफा से मिल जाता है, कि जब पीछे मुड़ के देखा तो शायद लगा कि मैं अकेला संसार में नहीं हूँ जिसको इतना दुख मिला है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, लेकिन उसके यादों के साथ में जिया हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने जिस मकाम पे मुझे पहुँचाया और आर्थिक रूप से भी सक्षम रखा, बावजूद उसके मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। और मेरे पिताजी बहुत बड़े सर्जन थे और उन्होंने करोड़ों जाने बचाई, लेकिन अपने नवासे को नहीं बचा।